हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली आपको आपके अभी वर्तमान के हालातों में आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या संदेश दे रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली आपको आपकी चिंताओं से मुक्त कब करेंगे, आपके वर्तमान के हालातों में सुधार कब करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो गाइस, महाकाली आपको कह रहे हैं कि कुछ चीजों को समझने की कोशिश करो। हर बात में इमोशंस को सबसे ऊपर रखना ये जरूरी नहीं होता, सिचुएशन के अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए गाइस। कभी कभी आपके इमोशंस आपके लिए नकारात्मक वातावरण उत्पन्न कर देते हैं, और इस बात का आभास कह सकते हैं, इस बात का भान कह सकते हैं गाइस, कि आपको पहले से पता होता है कि कभी कभी सिचुएशन आपके इमोशनल होने की वजह से आपके विरुद्ध में जाकर आप ही के लिए खड़ी हो जाती है, और जहाँ पर आपका संभालना उस बात के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपके इमोशंस एक जैसे पैटर्न को बार बार आपकी लाइफ में घुमाते हैं। कई सारे पैटर्न ऐसे हुए हैं कई जहाँ पर एक ही कहते हैं ना कि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आकर आप ठहर गए। आपके दिमाग में आता है कि मान लो एक इंसान आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, दूसरा इंसान आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है। ज़्यादातर लोग आपके साथ एक जैसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके इमोशंस का लॉस होते हुए आप देख रहे हो गाइस। और माँ काली कह रहे हैं कि आपके अंदर इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमताएं हैं। ये मत सोचो कि हर कोई आपके इमोशंस का फायदा उठाकर निकल जा रहा है ना? मतलब कोई आपके आपकी कदर नहीं कर रहा, आपके आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये बेबसी आपकी नजर आ रही है गाइस। आप लगाव चाहते हो और आप डिजर्व भी करते हो। एक्चुअल में आप में प्रेम बहुत है, आप में समर्पण बहुत है गाइस, रिश्तों को लेकर, अपनों को लेकर, लेकिन आप उतनी ही कह सकते हैं गाइस लगाव, उतना ही प्रेम भाव और लोगों में भी ढूंढने की कोशिश करते हो, और अपने मन में बना लेते हो कि जितना अच्छा आप उतना सामने वाला भी है, और वहां पर आप अपने इमोशंस जो है ना वो छलकाने की कोशिश करते हो, और वो चीज़ें आपकी गलत में चली जाती है ना, वो चीज़ें आपकी गलत में चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा आभास होता है कि आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही है ना, समानता नहीं मिल रही। जितना आप किसी के लिए सोचते हो, किसी के लिए लगाव रखते हो, आपकी उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरता। मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान के मन में यह है कि अभी तक मुझे किसी ने समझा ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है, मतलब अपने आप में अकेलापन ये किसी इंसान को बहुत ज्यादा है ना, और गिल्ट भी रहता है कि मैं किसी को ना इतना लगाव क्यों देती हूँ, क्यों देता हूँ, मतलब वापस में आपको रिटर्न में नहीं मिलता है ना। एक बात है कि कोई ये चाहता है, मतलब प्रेम के लिए ना कोई बहुत तरस रहा है, और ये लव रिलेशनशिप को लेकर नहीं कह सकती का, इसकी केवल उस बात को लेकर है। यहाँ पर किसी इंसान का अंदर से खोखलापन है ना, अंदर से अकेलापन यही नजर आ रहा है, और वहां पर ना एक चीज होती होगी आपके साथ जहाँ छोटी बातें होती है ना, जहाँ पर ज्यादा हंसने की आवश्यकता नहीं होती, ज्यादा खिलखिला कर हंसने की आवश्यकता नहीं होती ना, वहां पर कहीं कहीं आपके साथ होता है। ये क्यों होता है कि कैसे भी करके ना आप मतलब आप चाहते हो खुशी मिले आपको, कोई बंदा खुशी के लिए तरस रहा, यहाँ पर किसी की एनर्जी ना बड़ी अलग है गाइस। सच में अगर आपके मन को टटोलने की कोशिश करें ना तो आप में बड़ी घबराहट नजर आती है गाइस, बहुत अकेलापन और एक डर नजर आता है, ऐसा फील होता है कि आपके साथ कोई नहीं है, भले 100 लोगों की भीड़ आपके पास होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये को कभी भी आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आन पड़ी ना कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं जैसे दो चीजें होती है ना कि किसी इंसान को ना पता होता है सामने से कि आसपास में लोग ऐसे हैं जो मतलब उनके व्यवहार सामने आ चुका है,
ठीक है, लेकिन फिर भी कोई अपने इमोशन से इतना मजबूर है कि अपने संवेग अपनी भावनाएं फिर भी उड़ेल रहा है। पता है कि कभी रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी इस बात से ना खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। कितना उमड़ा हुआ सा ना, कुछ चीजें कितनी गंभीर तरीके से आपके अंदर चलती है। आपने बहुत से लोगों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में जाना है भाई, आप अवलोकन बहुत अच्छा करते हो। आपको एक ही बारी में पता चल जाता है कि कोई इंसान कितना सही है कितना गलत है। कहीं ना कहीं एक बात कहूंगा, इस मुझे ये इनके इन प्रकरण एक चीज समझ में आ रही है, और उसमें आपको बदलाव करना बहुत जरूरी है। जो यही है गाइस कि आपके इमोशंस, आपके लगाव जो है ना, उन पर एक बार आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने दिमाग को इस बात पर हावी करना पड़ेगा गाइस, है ना। आपको अपनी एनर्जी बैलेंस में लेकर आने की बहुत आवश्यकता है। इसका बहुत हद तक में मिसयूज हो चुका है, आपने करवाया भी है अपना मिसयूज। आपको पता था कहीं सारी जगह पर कि रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक इंसान को पता होता है कि मिसयूज हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेता। कभी आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया है। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है और अपने व्यवहार में बदलाव लेकर आने की आवश्यकता है ना। आपके साथ दो तीन चीजें चल रही होगी। देखो, सबसे पहले तो ये कि ये सीधे हाथ में ना एक चांदी की रिंग पहन लो, ठीक है, सिंपल सी रिंग पहन लो। ये कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है, ये आपके काम करेगी, आपके इमोशंस को बैलेंस करेगी। और एक शिवलिंग पर जल चढ़ाओ गाइस, इससे आपके इमोशंस बैलेंस में आएंगे। आपके इमोशंस का, आपकी अच्छाई का कोई फायदा उठाकर नहीं चला जाएगा। आपके साथ ये भी होता है कि आप किसी की हेल्प करो और वो इंसान एक समय के बाद में आपका ही दुश्मन बन जाता है, और आपके तो ले मैंने तो गलती करी है ना, मतलब ये आपकी हेल्प क्यों, आपका अच्छा कर्म किया हुआ वो आपके लिए बुरा क्यों बन जाता है ना जी। ये कहीं ना कहीं हमें खुद में भी बदलाव करने होते हैं। आपका व्यवहार लालच दे रहा है, ऐसे समझ लो। कभी कभी मूल्यांकन करो, आपके खुद के सामने आपकी खुद की क्या गलतियां हैं वो सामने आ जाएगी। कभी कभी बहुत अच्छा बनना बहुत बड़ी गलती बन जाती है। हर चीज में ना बैलेंस जरूरी होता है गाइस, है ना। बहुत ज्यादा बारिश आ जाए तो वो भी नुकसानदायक है, और बिल्कुल भी ना हो वो भी नुकसानदायक है ना जी। इस बात को हमें समझना है। तो कभी कभी हमारा बहुत ज्यादा अच्छा बनना और लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए घातक बन जाता है। यहाँ हानि किसको हुई बताओ, आप समझो आप, है ना। तो जहाँ जिन जगह पर आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, उस आधार पर व्यवहार करो, है ना। और जैसा अभी उपाय आया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, चांदी की रिंग पहन लो, काम आएगा आपके, ठीक है। मन की अस्थिरता जो भटक रही है ना, मन की अस्थिरता जो है ना, ये दूर होगी गाइस, ओवर थिंकिंग दूर होगी। और बेवजह का गिल्ट केवल खुद में चलता रहता है ना, उससे भी आप फ्री हो जाओगे, है ना। आपने खुद को बहुत ज्यादा परेशान किया है गाइस, और लोगों ने तो किया होगा, लेकिन आपने खुद को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। सबसे पहले तो खुद से माफी मांगना। माँ काली यही कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी खत्म करना चाहते हो ना, खुद में से जो नेगेटिविटी खुद के लिए है ना, उसके लिए माफी मांगो गाइस, है ना। और एक पानी ज्यादा पिया करो। यहाँ पर कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो पानी बहुत कम पी रहे हैं, और एक बात कहूँ गाइस, अगर इन चीजों में सुधार करो ना, एक्चुअल में क्या है, किसी इंसान के पास ना एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। ये कार्ड क्या कहता है कि मालिक के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है, और कुछ चीजें आड़े आ रही है उस चीज को समझने के लिए। अगर आपके व्यवहार में थोड़ा बैलेंस आ जाए ना गाइस, है ना, हल्का सा भी आप थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करो ना, आपकी एनर्जी का प्रभाव देखना कि मालिक ने आपको जो गिफ्ट दिया उसे आप समझने की कोशिश करोगे, उसकी गणित को समझने की कोशिश करोगे, वो सिचुएशन आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। आपके पास हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन बस आपका जो कोई एक संवेग है वो हावी पड़ जाता है, जिसकी वजह से चीजें सामने होने के बाद में भी आपको नजर नहीं आती। आप आंख बंद करके बैठ जाते हो, मुझे देखना ही नहीं है, है ना। ये चीजें नहीं होगी गाइस, आपके पास समस्या के समाधान होते हैं, वो आपको नजर आ जाएंगे। इस बात को समझो, है ना। समय निकलने के बाद में कुछ भी नहीं है,
समय रहते चीजें समझ में आ जाए तो उसमें ही सबसे अच्छी बात है। इसे समझो, काफी सारे पैटर्न आपकी लाइफ में दोहराए हैं, क्यों दोहराए हैं मूल्यांकन करो, है ना, और उन चीजों में सुधार करना है उसकी जिद करो, ठीक है। बैलेंस बनाकर चलोगे, स्वार्थी होने के बारे में नहीं कह रही, बैलेंस बनाकर चलने के बारे में कह रही हूँ, जहाँ आपका भी नुकसान ना हो, सामने वाले इंसान का भी नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आपका फायदा उठाया जाएगा तो आज नहीं तो कल उन्हें बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे आपके अपने हो चाहे कोई पराया होगा ऐसा, है ना। क्योंकि आप भी मालिक के अच्छे बच्चे हो, नेक बच्चे हो, और आप भी अगर अपना जानकर मिसयूज करवाते हो तो फिर गलती में आप भी होगा, मतलब कोई भी होगा। क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है, ये आत्मा हमारी नहीं है, ये मालिक की दी हुई है, और हम अगर उसकी कदर ना करें तो गलती में हम भी है ना जी। ये रोशनी का, ये देखो मालिक ने समझ दी है आपको, समस्या से किस तरीके से निपटना है, किस तरीके से चलना, और डर ही नहीं है आप में। एक्चुअल में गाइस, आप ना चीजों के प्रति दृष्टिकोण आपका आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। जैसे कैसा समझाऊं, यहाँ पर चीज कुछ अलग, कोई बात अलग आई है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि आपको इस हाथ में चोट लगी है, और आपको समझ आ रहा है कि आपके इस हाथ में आपको दर्द हो रहा है, सिचुएशन बिल्कुल अलग दिखती है गाइस, ये आप जानकर नहीं कर रहे, है ना। और मैं ये नहीं कह रही ये सब व्यूवर्स के साथ होता है ना, कोई चीज़ें ना आपको भटकाने की कोशिश कर रही है कि है कुछ और दिखती कुछ और है, चाहे ये नेगेटिविटी कह लो, चाहे अगर कोई ब्लैक मैजिक कह लो, या फिर जैसे कोई इंसान इमोशनल होता है ना तो उनका ब्रेन वॉश जो है ना वो जल्दी किया जाता है, या फिर लोग जो होते हैं ना उन्हें अपनी बातों में लेने की कोशिश बहुत करते हैं उनका हितैषी बताकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप सीधी राह पर चल रहे होते हो ना, वहां पर, या सही राह पर चल रहे होते हो ना, तो कुछ लोग आपको दिशा भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। वहां पर माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि अपनी सोच, अपनी समझ और लाइफ में जो पैटर्न बोगे हैं ना, उनको ध्यान में रखकर बेटा कोई भी लाइफ का फैसला लेना। आपका दिल, आपकी आत्मा, आपका मस्तिष्क आपको क्या कहता है, उस बात पर अड़िग रहना, उस फैसले को लेना, है ना। दुनिया कुछ भी कहे, किसी के कहे अनुसार मत चलना। आपकी लाइफ का दुख आपने भोगा है, अपनी लाइफ की यात्रा आपने देखी है कहीं, तो किसी की सुनो सबकी, है ना, चाहे कोई कुछ भी कहे, सुनो सबकी, करो मन की, है ना। यहाँ पर माँ काली आपको कह रहे हैं कि वो आपके लिए रास्ता दिखा रहे हैं आप ही के आधार पर आप अपनी एनर्जी को जब बैलेंस में करोगे, थोड़ा मेडिटेशन करोगे, आप में अपने आप कहते ना हल्कापन आएगा गाइस। ये एक बेवजह का डर, ये एक बेवजह का तनाव, या इतना तेज दिल धड़कता रहता है ना आपका, किन्हीं चीजों को खोने का डर रहता है ना, वो सारा खत्म हो जाएगा। आपके अपनों को लेकर चिंता है, आयु को लेकर, या फिर उनकी हेल्थ को लेकर, या खुद की हेल्थ की, खुद की आयु को लेकर चिंता है, वो भी दूर हो जाएगी। या इसके अलावा आपकी लाइफ का कोई ऐसा मैटर है, ठीक है, चाहे फिनेंशियल मैटर को लेकर है, चाहे जो भी है, वहां पर आपका डर, जिस बात को लेकर आपको डरा रहा है ना, वो डर दूर हो जाएगा। मतलब माँ काली कह रहे हैं कि एक बार उन पर ट्रस्ट रखो, है ना, और अपने भीतर झांकने की कोशिश करो, समाधान आपको मिलेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी, अपने में बदलाव की बात बारे में बात कही जा रही है। बाकी चीजों को छोड़ दो, बदलती है या नहीं बदलती है, खुद को बदल दो, कैसे चीजें नहीं बदलती। एक्चुअल में माँ काली आप में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। वो माँ पार्वती के रूप में थे ना, तो उन्हें भी एक बार डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखा, माँ काली के रूप में आए, उनके लिए समस्या का समाधान बिल्कुल ही हो गया गाइस, है ना। वो डर को डराने लगे, और माँ काली यही कह रहे कि उनकी एनर्जी उनके हर एक बच्चे में है, और उसे समझने की कोशिश करें, अपनी एनर्जी को संतुलित रखने की कोशिश करें। चीजों के आंसर आपको मिलने वाले हैं, ये मैजिक होने वाला है ना। ये चाबी आपके अंदर भीतर है, ये आपको मिलेगी, और आप अब सोचोगे गाइस कि मेरे पास समस्या का समाधान था और मैं भटकती रही, भटकता रहा,
यही होता है, इसे समझने की कोशिश करो और इस पर प्रयास करो, अपनी कोशिश करो, मेडिटेशन करना है ठीक है। और लगे कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो तो जैसा मैंने कहा, एक तो चांदी की रिंग पहन लेना, ये भी नहीं पहन पा रहे हो कोई बात नहीं, शिवलिंग पर जल चढ़ा देना ठीक है। और एक आपसे कोई बड़े लेडी है ना, उनको प्लीज़ रेस्पेक्ट से बुलाना, उनके उनको मतलब उनके साथ बुरा बिहेवियर मत करना, चाहे वो आपके माता के रूप में हो, चाहे वो आपके बड़ी सिस्टर के रूप में हो है ना, या कोई भी मौसी हो या कोई लेडी हो ना, उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखना आप है ना, ये चीज़ करना तो ठीक रहेगा। और एक और बात कहूँ कि या ये भी हो सकता है कि आप अपनी माता जी की हेल्थ को लेकर चिंतित हो, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, चाहे माता है चाहे आपकी सिस्टर है ठीक है, उनकी हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत चल रही है आपके, यहाँ पर कहा जा रहा है परेशान मत हो, उनकी हेल्थ शीघ्र ठीक होते हुए नजर आ रही है ठीक है, ये भी आया मैसेज। ओके नाइट, ओह माय गॉड, फिर से स्वॉर्ड्स की एनर्जी गाइस, फिर से स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आप में बड़ा चेंज आएगा गाइस, आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप पर शिव शक्ति की कह सकते हैं ब्लेसिंग बहुत बड़ी है गाइस। और यहाँ पर भी देखो कि आपने जो टारगेट बना लिया, लक्ष्य बना लिया ना, वहाँ पर आप पहुँचो ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, चाहे कितनी बाधाएं क्रिएट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रास्ता अपने आप मालिक दिखाएंगे गाइस। कहीं कहीं पर है ना, आपको ये कहा जा रहा है, मतलब कुछ एहसास भी आपको हुआ है कि मुझे ना जैसे कोई रास्ता दिखा रहा है, चाहे एंजल साइन के आधार पर या कैसे भी, या आपकी इंट्यूशन के आधार पर, आपको पता होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो अपने आप सिचुएशन बनती है कि अगर आप इधर जाना चाह रहे हो ना, तो यहाँ पर रुकावट होगी और आपको इधर जाना पड़ेगा, अपने आप आपकी लाइफ में ना आपको खींच कर ना उधर ले जाया जाता है जहाँ पर आपको जाना होता है। कुछ चीज़ें आपके लिए काम की नहीं होती ना, उनसे खुद ब खुद वो छूटनी है आपसे, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो, चाहे वो लोग हो गाइस, है ना। यहाँ तो बिल्कुल बच्चा मालिक के सानिध्य में है, भले दुख भोगा है बच्चे ने, भले परीक्षाएं दी है, लेकिन ये बच्चा मालिक के सानिध्य में है, माँ काली के तो बिल्कुल बहुत प्यारा बच्चा है, कोई बहुत ज्यादा जैसे एक होता है ना कि माँ है, एक जैसे इंसानी रूप में बच्चा कहता है ना कि ये मेरी माँ है ठीक है, उनके प्रति वो लगाव होता है, जिस तरीके से बातचीत करना, एहसास होना, बिल्कुल माँ काली के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति इस तरीके का लगाव उनको महसूस करना कि मेरे मन में जो भी बात है ना, मैं बिल्कुल मेरी माँ को कहूँ वैसे मैं माँ काली को, माँ दुर्गा को कहूँ, है ना, और बिल्कुल आपकी बात सुनी जाती है और आपको संभाला जाता है, आप पर शिव शक्ति दोनों की आशीषें हैं गाइस। और आपकी सुरक्षा के लिए चीजें आपको मालिक ने दे रखी है, कहीं पर भी कोई आपको नुकसान पहुंचाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, आप पर किसी तरीके की नकारात्मकता नहीं लगती है। और बड़ी हैरानी की बात है आपके लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो आपका गलत करना चाहते हैं, लेकिन उस बुरी स्थिति में वो खुद आकर गिर जाते हैं और आप बच जाते हो, हर बार बचे हो, हर बार मतलब आप कह सकते हो गाइस कि आपके दुश्मनों की संख्या ना बढ़ती जाती है, क्योंकि एक बात तो है गाइस कि आपका ऑरा जो है ना वो आपकी प्रोटेक्शन करता है, और जब भी कोई आपके विरुद्ध कुछ गलत चीजें सेंड करने की कोशिश करता है, कोई नेगेटिविटी है या कुछ भी ब्लैक मैजिक या बुरे भाव है ना, इवन आपके बारे में अगर मन में गलत भी सोचे ना, तो उनको चोट मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये चीज एहसास भी की है, अपने घर परिवार में भी देखना, एक बात नोटिस करना, आपके घर परिवार में भी आपने ये बात नोटिस की होगी, या किसी ने कहा होगा आपको कि आपको अगर गलती से ये गुस्से में भी थोड़ा भी गलत बोल दिया जाए ना, तो उनको हाथों हाथ भोगना पड़ता है, उनको कोई नुकसान होता है, ये आपको मालिक बता रहे हैं गाइस, ये छोटे छोटे स्तर पर आपको बताया जा रहा है कि आपके विरुद्ध हल्का सा भी गलत मालिक को सहन नहीं होता, और अगर कोई आपके विरुद्ध बड़ी प्लानिंग बनाता है या आपको आपके साथ गलत करने के बारे में सोचता है ना, तो वहां उस स्थिति में वो इंसान खुद गिरता है, और ये जब आपको पता है तो फिर आपको डर किस बात का। और यही बात यहाँ पर एक चीज कही जा रही है कि मालिक आपको बिल्कुल एक बच्चे का हाथ पकड़ कर किस तरीके से जीवन यात्रा में साथ होते हैं वैसा एहसास आपको करवाया हुआ है, चिंता मत करो, आप जिस भी राह पर चल रहे हो बिल्कुल सही चल रहे हो, ये
जो चीज़ है ना इसे ठीक करने की कोशिश करो। जैसा आप खुद समझने की कोशिश करो गाइस, कि आपके सामने किसी छोटे बच्चे का गलत फ़ायदा उठाया जाता है, उनके व्यवहार का, उनकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया जाता है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। माँ काली को भी बुरा लगता है ना। वो आपके साथ अन्याय होते हुए नहीं देखना चाहते, और जहाँ पर आपके द्वारा आपके साथ अन्याय हो रहा है वो भी उनको बुरा लग रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करो, है ना। द हैंगमैन स्टक हो किसी सिचुएशन में, है ना, पर बुद्धि काम कर रही है। यहाँ पर भी बुद्धि काम करे। आपको पता है, आपके अंतरात्मा जानती है कि कहीं कोई सिचुएशन में आपको रोका गया है, तो क्यों रोका गया है। मतलब बिलीव भी है मालिक पर, है ना, कि अगर ये सिचुएशन बनी है तो यहाँ पर मुझे बचाने का काम मालिक का है। मतलब एक कहीं ना कहीं डर है, लेकिन बिलीव भी है कि मालिक मुझे बचाने आएंगे, मेरा हाथ पकड़ेंगे। एक वो है ना आजकल गाना चल रहा है, यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी, तेरी बाह पकड़ने को वो विष पतल के आएगा। बिल्कुल कुछ वैसा आपके मन में यही चीज है, या हो सकता है यही गाना गुनगुना रहे हो आजकल इन दिनों में, कि मेरा हाथ पकड़ने के लिए मालिक विष बदल कर आएंगे, पर मेरी नाव को डूबने नहीं देंगे, मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। द हैंगमैन की स्थिति में होगा। कुछ चीजों की एंडिंग लग रही है आपको, आपका दिल कह रहा है कुछ चीजें खत्म होने वाली है। यहाँ चमत्कार देखना, यहाँ पर सन की एनर्जी देखो, इस स्थिति से आपको बाहर लेकर आना गाइस, ठीक है। अपना सपोर्ट करने की कोशिश करो गाइस, अपनी एनर्जी से, है ना। आप आध्यात्मिक हो गए, अगर आप कभी कभी कुछ चीज़ों को ना मानते भी नहीं हो, कोई साइन भी आपको क्लियर भी मिल जाए ना, आप मानते नहीं हो, कहीं कहीं पर आपकी जिद बहुत बुरी है गाइस। अच्छी जगह पर भी जिद होनी चाहिए, है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो मायने रखती है लाइफ में। आप कहोगे हम में जिद नहीं है, है आप में जिद, गुस्सा भी है, कभी कभी गुस्सा गलत जगह पर भी आता है आपका, बाद में पता चलता है कि मैंने गलत जगह पर गुस्सा किया, फिर होता है गिल्ट, जो मैंने यहीं पर कहा, उस गिल्ट से उबर ही नहीं पाते। कोई और तो सजा दे ना दे, आप अपने आप को सजा भरपूर देते हो, है ना। कहा ना आपने भी अपने आप पर ना अत्याचार करने में कसर नहीं छोड़ी है गाइस, जो मैं सच्ची बात है मैं वो बताऊंगी, इस वजह से क्योंकि एक सच्चा मित्र वही होता है कि जहां पर गलती होती है या कमी होती है ना, वो उसे आईने के सामने, आईने की तरह सामने लेकर आए, ताकि उसमें सुधार किया जा सके, ताकि वैसा पैटर्न बार बार ना दोहराए। और एक अच्छा मित्र वो भी होता है जो वाकई में जो खूबी होती है ना उतनी स्तर पर वो खूबी भी बताए, है ना जी। तो ये जरूरी होता है गाइस। तो इन चीज में जो मैंने कहा रीडिंग में आया है बदलाव करने के लिए, ठीक है, तो उसमें बदलाव करो, चीजें अच्छी होंगी आपके लिए। और कुछ सिचुएशन में आप अगर फंसे हुए से लग रहे हो ना, तो यहाँ पर माँ काली का हाथ देखना, वो आकर ना खींच कर बाहर लेकर आएंगे, ठीक है। आप पर रहमत है और आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, ये माँ काली ने आपको संकेत दे दिया है, जितना रीडिंग के द्वारा मुझे पता चल रहा है, ठीक है। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये लो नाइन की एनर्जी आई है जो कह रही है आपकी प्रॉब्लम का खत्म होना, ठीक है, और उसके लिए रास्ते बनना, उसके लिए अपने आप विचार आना, उसके लिए परिस्थितियां बनना, उसके लिए माँ के द्वारा एक्शन लिया जाना, ठीक। आउल दिख रहा होगा इन दिनों में, या कछुआ दिख रहा होगा, ठीक, कछुए की रफ्तार से चीजें ठीक होने स्टार्ट हो चुकी है। आपको यही कहा जा रहा है कि बस अपनी तरफ से अपनी मेहनत को बरकरार रखना, है ना, उसमें लापरवाही नहीं चाहिए। और अगर हेल्थ के प्रति आप इग्नोर कर रहे हो अपनी हेल्थ को, तो ठीक करने की कोशिश करो। कुछ चीजें आपके द्वारा आपकी हेल्थ को लेकर गलत चल रही है ना, उसे ठीक करने की कोशिश करो। मे भी हो सकता है कि आपकी या तो खाने पीने में चीज़ें सही नहीं चले, समय पर खाना पीना हो नहीं रहा है, या कर नहीं रहे हो, या ऐसा भी होता होगा कि आजकल खाने का ज़्यादा मन ही नहीं कर रहा आपको, ये भी हो रहा होगा आपके साथ। ये चीज़ें तो हमारे हाथ में है गाइस, है ना, इनको ठीक करना, कुछ आदतों में बदलाव करना, या आपका रूटीन सही नहीं चल रहा है तो उस रूटीन को ठीक करने की कोशिश करना, ये तो सब चीज़ें
हमारे ही हाथ में है ना, ये तो हमारे कंट्रोल में है। तो इन चीजों में खुद के द्वारा सुधार करना जरूरी है गाइस, थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश करो। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जितना आप एक्टिव होगे, अपनी एनर्जी को एक्टिव करने की कोशिश करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका मन थोड़ा खुश रहने की कोशिश करेगा। उदासी छाई हुई है आपके अंदर, ये भयंकर अंधकार उत्पन्न कर रहा है। ये देखो, जितनी परिस्थितियां है नहीं ना, उतनी बुरी परिस्थितियां आपको समझाने की कोशिश कर, उसमें झक्कर रहा है, वही तो चीजें नहीं करनी है ना। तो थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश करो, थोड़ा योगा कसरत करो, कुछ ना कुछ चंचलता लेकर आओ अपने मन में, है ना जी। और आने वाला समय आपको वर्कहोलिक करने वाला है, काम बहुत रहेगा आपके, इस वजह से हेल्थ ठीक करो। और काम ऐसा नहीं है गाइस कि बर्डन वाला काम ना, खुशी वाला काम गाइस, है ना, जहाँ पर आप अपनी इच्छा से काम करो। जहाँ पर अगर जैसे बिजनेस का है तो वहाँ पर ग्रोथ इतनी अच्छी होनी कि आपको टाइम ही ना मिले, है ना। मतलब मन चाहा, आपके अनुसार चाहा हुआ आपके लिए होना, ग्रोथ अच्छी होना, समय सही जगह पर सदुपयोग में लगना, ये चीजें। बिजी बहुत रहने वाले हो गाइस, मतलब आपके आसपास ना लोगों का झुंड रहेगा, है ना। अगर आपकी शॉप है तो देखना आपको समय नहीं मिलने वाला है, या कोई भी काम आपका ऐसा जहां पर पब्लिक से डील करना है ना, ऐसा कुछ, या लोगों लोगों का आना जाना आपके यहाँ कुछ ऐसा है, बहुत अच्छा काम आपका चलने वाला है गाइस। काम में सक्सेस है ना, काम में सफलता आपकी। द मून, ओके, द एम्प्रेस। देखो यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, और यहाँ पर भी मेरी नजर जो है ना मून पर जा रही है। पूर्णिमा तक मैं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। देखो पूर्णिमा जो होती है ना, ये भी मन के बारे में बात करती है, मन की स्थितियों के बारे में बात करती है। माँ काली कह रहे हैं कि अगर इन दिनों में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करना, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पर माँ काली आप में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, और आपके ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत अच्छी संभावना बनी हुई है, जहाँ पर आपको पावरफुल किया जाएगा गाइस। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही कहता है कि आपको स्टेबल करना है ना, आपको पैसों के आधार पर इतना संबल करना कि आप किसी के भी किसी पर आश्रित ना रहो गाइस, चाहे आप जिस किसी भी एज में हो, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसी व्यवसाय उत्पन्न करना, कुछ ऐसे सोर्सेस आपके लिए लेकर आना जहां पर आपको आत्मनिर्भर किया जाए, जहां पर आपको अपने में पावरफुल किया जाए, आपको पावर में लेकर आया जाए गाइस। द एम्प्रेस की एनर्जी बहुत हाई, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, बहुत पावरफुल एनर्जी है, जो पावर में है ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी सोच जो है ना वो बिल्कुल धरातल पर टिकी हुई होती है। अहम नहीं, अहंकार नहीं, घमंड नहीं, है ना। आप में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा गाइस, आपके एटीट्यूड में। ये इस चीज में आप बदलाव कर लोगे ना, तो उसके बाद में देखना आपकी थिंक में कितना बदलाव आता है। आप खुद के साथ गलत नहीं होने दोगे कभी ना, किसी और के साथ गलत करोगे। आपके पास हर समस्या का समाधान, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर समाधान आपके पास है, चाबी आपके पास है, ताला नजर आ रहा है लेकिन चाबी नजर नहीं आ रही, चाबी खुद के भीतर है और वो आपको नजर नहीं आ रही है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको ऐसे आप में विचार उत्पन्न करेगा कि ऐसे विचित्र समस्या का समाधान लेकर आओगे कि आपको बाद में पता चलेगा कि बस मुझे ही थोड़ा सोच विचार और थोड़ा सकारात्मक रहने की आवश्यकता थी, थोड़ा अच्छा सोच विचार करने की आवश्यकता थी। जैसे कि महात्मा बुद्ध का कहना कहना था कि वीणा के तार जो होते हैं उन्होंने ना तो बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कस लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ते हैं उन्हें तो उसमें क्या होता है कि सुर ही नहीं आते, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा कस लिया जाता है तो तारों के टूटने का भी डर रहता है। तो लाइफ में बैलेंस का होना, मध्यम मार्ग को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इतना थोड़ा बहुत परिवर्तन और परिस्थितियों को समझ कर व्यवहार करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा ये गाइस रीडिंग में, ठीक, ओके। इस चीज़ से बाहर आना, ये कहा ना आपके अंदर बहुत घुटन भरी हुई है और आप जजमेंट की प्रेयर कर रहे हो कि मालिक जस्टिस हो मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ न्याय करो, मेरी लाइफ में जो भी हक मेरा छीना गया है वो मुझे वापस चाहिए। बिल्कुल, नाइन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स,
कहा ना, आपके लिए मालिक की स्ट्रेटजी चल रही है गाइस, है ना, आपको संबल करने के लिए, आप में आपको किसी प्रकार की उपलब्धियां दिलवाने के लिए आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होगा, बहुत बड़ा जजमेंट होगा, ठीक है। आप परेशान मत हो, आपका जिस किसी ने भी हक छीनने की कोशिश की है या आपके साथ गलत किया है ना, या आपका फायदा उठाने की कोशिश किया, जिन लोगों की भी आपने हेल्प करी है, जिन्हें आगे बढ़ाने में मदद करी है, लेकिन पलट कर उन्हीं लोगों ने आपके साथ गलत किया है, महाकाली आपको यही कह रहे हैं, चिंता मत करो, आपके साथ हर एक बात को लेकर जस्टिस होगा, जजमेंट होगा, यह आपके भाग्य में है, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही कहता है कि अपने फ्यूचर पर फोकस करो, आपको हेल्प भी मिलेगी और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ भी देखोगे और एक स्टेबिलिटी भी देखोगे, और माँ काली की आपको आशीर्वाद यही है कि वो आपको पावर में लेकर आना चाहते हैं, वो आपको पावरफुल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो निश्चिंत रहो, माँ काली पर बिलीव रखो, आपकी लाइफ का जो भी दुख तकलीफ है वो शीघ्र, अति शीघ्र, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। माँ काली पर बिलीव रखना, जो भी आपकी लाइफ का दुख है वो सारा दुख समूल रूप से नष्ट हो जाएगा और आप देखोगे अपनी लाइफ में खुद के लिए बहुत बड़ा मिरेकल जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।